कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कॉन्जुगेट क्या होता है इसका, एक्स माइनस आयोटा वाई। अगर आप जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट करते हो तो दैट इज इक्वल टू, अब मॉड जेड क्या होते हैं एंड व्हाट इज दिस आल्सो कॉल्ड एज, ये मॉड्यूलस हो गया। मधु क्लियर है? मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें निकालना है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विदाउट आयोटा लेके चलना एंड उनका सम अंडर द रूट। ठीक है, क्लियर है मॉड्यूलस? आर्ग्यूमेंट निकालना है देन, अगर इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है देन वन क्यू आर कॉस थीटा क्या आ जाएगा, जो भी आपका रियल पार्ट होगा, एंड आर साइन थीटा क्या आ जाएगा, दैट विल बी द इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? आर कॉस थीटा इक्वल टू रियल पार्ट लोगे, आर साइन थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट लोगे, आपकी चाहे पोलर फॉर्म डिलीटेड है बट मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ वो जो आप आर सिस थीटा वाला पार्ट लिखते थे दैट वन इज डिलीटेड। नेक्स्ट क्या लेते हैं, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, दैट्स वन एंड द सेम थिंग, थीटा की वैल्यू निकालनी है हमने, क्या करते थे, हाँ टैन थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव लेते थे उसमें एक्यूट एंगल क्योंकि हम निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा यहां से टेन थीटा से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी आपको, उसके बाद आपने एक्स और वाई के साइंस चेक करने, अगर आपके एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं मींस दैट विल बी लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट, साइंस चेक हो गए क्वाड्रेंट पता लग जाएगा आपको। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो जो यहां से थीटा की वैल्यू आएगी दैट विल बी योर एम्पलीट्यूड। ठीक है, जो यहां से वैल्यू मिली वो एम्पलीट्यूड आ गया। अगर एक्स नेगेटिव था वाई पॉजिटिव था तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो यहां पे वैल्यू आई है उसको पाए में से माइनस कर दो। क्लियर? अगर दोनों नेगेटिव हैं तो फिर इसका नेगेटिव ले लेते हो, माइनस पाए प्लस थीटा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है यानी कि एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है देन हम क्या लेते हैं इसको नेगेटिव ले लेते हैं। गॉट इट? ये कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में जो लेना है एंगल वो ऐसे निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री में ये कंसेप्ट नहीं होता, तो अभी तो वैसे कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि वो चैप्टर आना नहीं है आपका। तो जो आपने अल्फा निकालना है यानी कि जो एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट निकालोगे दैट विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में से माइनस कर देना उसको जो भी यहाँ वैल्यू आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में उसमें माइनस पाई ऐड कर देना, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए उसका नेगेटिव ले लेना। ठीक है, क्लियर है ये? और कोई डाउट इस चैप्टर में? अदरवाइज मैं फिर आगे वही क्वेश्चन कंटिन्यू करूंगी केस स्टडीज के। कोई डाउट नहीं है, प्रॉपर्टीज अच्छे से कर लेना, मैं बार बार बोल रही हूँ, टेस्ट में नहीं आना, मैं पेपर उसने डाउट पूछा था दैट्स व्हाई आई वाज डिस्कसिंग। और कोई डाउट? चलें अब अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट्स की हैं ये केस स्टडीज आपकी, द सम ऑफ द ऑर्डिनल नंबर्स ऑफ टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी इज 9, सम ऑफ कार्डिनल नंबर्स ऑफ टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी 9 हमें गिवन है, एंड द रेशियो ऑफ कार्डिनल नंबर्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए टू द कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी इज 8:1। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन ये क्लियर है, सम हमें इनका गिवन है कार्डिनल नंबर्स का,
ये नाइन के बने, सम ऑफ द कार्डिनल नंबर्स ऑफ टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी इज नाइन, सम रेशियो ऑफ द कार्डिनल पावर सेट ऑफ ए टू द कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी इज 8:1। स्टेटमेंट यहां तक क्लियर है? अब आगे वो कह रहे हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, थर्ड पार्ट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, मिनिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी। If A is a subset of B, then A number of A intersection B, number of elements या cardinal number of A intersection B is. Question हमें given है the sum of the cardinal numbers of two finite sets A and B is 9. The sum of cardinal number. कार्डिनल नंबर यही हो गया ना, एन ऑफ ए एंड एन ऑफ बी, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी आपको 9 गिवन है। उसके बाद सम ऑफ द कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए एंड कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी, इनका रेशियो आपको 8:1 गिवन है और हमें ये निकालना है। पावर सेट के नंबर्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट दैट इज 2^2। हाँ तो क्या आएगा? हाँ जी कैसे? देखो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा? 2^2 माइनस 1। क्यों? मुझे प्रॉपर सबसेट थोड़ा गिवन है वहां पे। 2^2 एन हो गया, रादर वहां पे वो एम की फॉर्म में गिवन है, नहीं। अच्छा अब क्या आएगा? एक को एन ले लो, एक को एम ले लो। अब हाँ क्या बनेगा? एन माइनस एम 3 आ गया। ओके जी कौन कौन से? एन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, एम जो है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी का सम 9 गिवन है, डिफरेंस 3 गिवन है। सॉल्व कर सकते हो, ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। सॉल्व करके बताओ ए क्या आएगा और बी क्या आएगा। एम इज एंड एन 3, एन 6 आएगा। एन 6 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आपका 6 आ जाएगा एंड बी आपका क्या आ जाएगा? 3। अब व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी? ए यूनियन बी का जो मैक्सिमम नंबर है वो क्या हो सकता है? हाँ जी व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी? मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे, दोनों का कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अब एक में 6 एलिमेंट्स हैं, एक में 9 है, तो 3 है, तो टोटल 9 हो जाएगा।
और यू कैन से कि हमें ये पता है एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस, जब ये वैल्यू जीरो होगी देन दिस विल बी मैक्सिमम, जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जब वो जीरो होगा तब वो मैक्सिमम होगा, नेगेटिव उसकी वैल्यू क्योंकि हो नहीं सकती। तो मैक्सिमम नंबर कितना आ गया 9। व्हाट विल बी द मिनिमम, थ्री। कैसे, सिक्स बड़ा वाला सेट है तो मैक्सिमम उतने ही नंबर्स उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो कॉमन हो सकते हैं हमारे, तो वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है दैट विल बी 3। एक सेकेंड, एक में 6 है एक में 3 है, हमें ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम निकालना है। इंटरसेक्शन में 3 ही बनेंगे ना, 3 मिनिमम ऑफ ए यूनियन बी निकालना है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अगर एक में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हैं, एक में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स 3 से ज्यादा नहीं ना हो सकते, तो ये मतलब मैक्सिमम जो हमारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी वो 3 होगी, इसकी मैक्सिमम मतलब इसकी मिनिमम, ये जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतनी ये कम होगी ना, तो ये ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ 6 आएगी, हाँ जी, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 3 है तो 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 विल बी द मिनिमम वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट, अगर ए बी का एक सबसेट है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए नहीं, यहाँ पे इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मैंने उल्टा लिखा क्योंकि ए बी का नहीं हो सकता। इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए देन व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ जी बॉयज, इज इट करेक्ट? कैसे कशिश? ए इंटरसेक्शन बी जब हम लेते हैं तो उसमें जो हमारा सेट छोटे वाला होता है वो आंसर आता है। छोटे वाले सेट में यहाँ पे बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 लिए थे हमने, तो आंसर विल बी 3। अब नेक्स्ट है, मिनिमम वाला। मिनिमम वाले में बच्चे देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू मुझे मिनिमम चाहिए, ये दोनों तो ऐड हो रहे हैं, ये मुझे फिक्स्ड पता है दिस इज 9। अब 9 में से मैं जितनी बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगी उतनी इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। अब ए और बी में, ए में 6 एलिमेंट्स हैं और बी में आपके 3 एलिमेंट्स हैं, तो जब मैं इनका इंटरसेक्शन ले रही हूँ वो इस 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, 3 सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, या 2 एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं या 1 कॉमन हो सकता है या कोई भी कॉमन नहीं हो सकता। तो दैट डिपेंड्स कि जो वैल्यू 3 है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन, तो जब मैं 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आई विल गेट द वैल्यू 6 जो इसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, जब आपको यूनियन का मैक्सिमम निकालना है तो इसकी वैल्यू मिनिमम सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए, जब इसकी वैल्यू मिनिमम निकालनी है तो इसकी मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट, उल्टा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, इन अ सर्वे ऑफ 40 स्टूडेंट्स, ये वेन डायग्राम से करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, और वेन डायग्राम में आपको मैंने बताया है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपने जो लास्ट वाली वैल्यूज होती हैं उनसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्शन नहीं करते कॉमन वाले एलिमेंट्स की, तो वो ध्यान रखने हैं। इन अ सर्वे ऑफ 40 स्टूडेंट्स इट वॉज फाउंड दैट 21 हैड टेकन मैथ्स, टोटल अगर मैं लेके चलूँ तो 40 का सर्वे हुआ, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 40 हो गए जिसमें से मैथ्स वाले हैं 21, देन 16 हैड टेकन फिजिक्स एंड 15 हैड टेकन केमिस्ट्री, 16 हैड टेकन फिजिक्स, 21, 16 और 15,
उसके बाद सेवन हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स 12, फाइव हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फोर हैड टेकन ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले इसकी इंफॉर्मेशन देख लें क्या क्या है। यूनिवर्सल सेट 40 का, अब वेन डायग्राम बना लो बीच में, थ्री सर्कल्स क्योंकि थ्री केसेस बन रहे हैं, ये हो गया मैथ्स, ये हो गया फिजिक्स, ये हो गया केमिस्ट्री। अब पीछे से शुरू करना है, इंटरसेक्शन फोर जिन्होंने सभी लिए हैं तो ये तीनों का जो इंटरसेक्शन बन रहा है वो फोर ले। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री कितनों ने लिया है, फाइव ने, फिजिक्स ये है केमिस्ट्री ये है, इसमें से फोर ये आ चुके हैं, अब एक रह गया, टोटल फाइव बन गया। ये ध्यान रखना है बस, जो यहाँ पे दो का इंटरसेक्शन गिवन है उसमें से ये थ्री वाला सब्ट्रैक्ट करके फिर ये आप नंबर लिखोगे, ठीक है। अब मैथ्स और फिजिक्स वाले कितने हैं, 12, मैथ्स और फिजिक्स वाले टोटल 12 है, फोर हम ले चुके हैं तो ये कितने हैं, 8, मैथ्स और केमिस्ट्री वाले 7, मैथ्स और केमिस्ट्री 3 रह गए। अब नेक्स्ट पे आओ, केमिस्ट्री कितने के पास है, 15 के, ये केमिस्ट्री वाला सर्कल है जिसमें से 4 + 3 = 7 + 1 = 8 ऑलरेडी ले चुके हैं, कितने लेने हैं टोटल 15, तो रहे कितने गए, 7। फिजिक्स वाले कितने हैं, 16, ये वाला फिजिक्स का सर्कल है जिसमें 8 + 4 = 12 + 1 = 13 आ चुका है, 3 और आएंगे। मैथ्स वाले 8 + 4 = 12 + 3 = 15 + 6 = 21, ठीक है। अब इसका सम टोटल करो कि इन्होंने तीनों में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट लिया हुआ है, या दो लियो में या तीनों लियो में, तो बाकी जो 40 में से सब्ट्रैक्ट करोगे मींस उन्होंने कुछ भी सब्जेक्ट नहीं लिया होगा। इसका सम टोटल देखो कितना बन रहा है, थर्टी टू। तो मतलब जिन्होंने कोई ना कोई सब्जेक्ट लिया हुआ है वो नंबर 32 बन रहा है। सर्वे कितने का हुआ, 40 का, यानी कि 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया। अब सारी इंफॉर्मेशन आ गई, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन मैथ्स ओनली, जिन्होंने सिर्फ मैथ्स लिया, ओनली मैथ्स मतलब बाहर वाले, कॉमन वाला कोई पार्ट नहीं आएगा, 6 आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया है तो मैथ्स नहीं लिया होगा, तो 1 आ जाएगा वो। उसके बाद नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन एग्जैक्टली 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, एग्जैक्टली 1 सिर्फ मतलब एक ही सब्जेक्ट लिया हुआ है, 7 + 3 = 10 + 6 = 16, 1 1 वाला ऐड कर दोगे। देन नेक्स्ट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स मींस मिनिमम एक सब्जेक्ट, दो भी हो सकते हैं तीनों भी हो सकते हैं, तो दैट नंबर इज 32। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, 8, गॉट इट, क्लियर है ये। इसी टाइप से बीच में से और भी क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन हु हैज टेकन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स में 8 + 3 + 1 कर लोगे, क्लियर। 1 वाला आप ऑलरेडी ले चुके हो, हु हैड टेकन एनी 1 ऑफ द सब्जेक्ट्स, वही एटलीस्ट वाला केस बन जाएगा, तो किसी भी फॉर्म में यहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो यू विल सॉल्व इन दिस वे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये खुद करके दिखाओ मुझे। हाँ जी, किसमें क्वेश्चन क्या है, केमिस्ट्री वाले 15 है ना, 15 में से 4 ऐसे हैं
जिन्होंने साथ में मैथ्स और फिजिक्स भी लिया था बट केमिस्ट्री भी ली हुई है, तो चार हो गए केमिस्ट्री वाले, ये यहाँ से थ्री, यहाँ से वन, एट हो गया, ये टोटल कितने थे 15, तो रह कितने गए 7 जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री ली, वो हर एक में होगा क्योंकि कॉमन आ रहा है ना ये, ये देखो इसमें भी कॉमन आ रहा है और इस वाले सर्कल में भी कॉमन आ रहा है, तो ये 4+3 इधर वाले के लिए भी ऐड हो रहा है और इधर वाले के लिए भी हो रहा है 32, 4+3 1 7+1 8 8+7 15+3 18+6 24+8 32 दो बार कैसे कहां बच्चे, जब इस वाले सर्कल को लेंगे तो 4 और 1 इसके लिए अलग काउंट होएगा, जब इस सर्कल को लेके चल रहे हैं तो इसके लिए 4 और 1 अलग काउंट होएगा क्योंकि दोनों में एनक्लोज हो रहे हैं, ये इसके लिए कह रहे हो, क्लियर है, जो डाउट था वो क्लियर है। अब नेक्स्ट आप करके दिखाओ मुझे, इन अ सर्वे ऑफ 500 टेलीविजन व्यूअर्स, तो सर्वे हुआ 500 का, तो यानी कि यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको गिवन है 500। इट वॉज फाउंड दैट 285 वॉच फुटबॉल, 285 वॉच फुटबॉल, तो मैंने F फॉर फुटबॉल ले लिया यहाँ पे, देन 195 वॉच हॉकी, 115 वॉच बास्केटबॉल, 45 वॉच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, 70 वॉच फुटबॉल एंड हॉकी, 50 वॉच हॉकी एंड बास्केटबॉल, 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द थ्री गेम्स, अब हमें कॉमन वाली वैल्यू नहीं गिवन, क्या करें, हाँ जी क्या, समझ आया, करो। मैथ्स का पीरियड है, नोटबुक तक नहीं खुली हुई, वेरी गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो डू दिस क्वेश्चन, बच्चे यू आर हैविंग दीज वैल्यूज, बी क्विक, ये 20 आ गया, आगे लेट दिस बी एफ, दिस बी एच, दिस बी बी, सेंटर 20 आ गया, ठीक है। अब एच इंटरसेक्शन बी 50 है, ये 30 आ गया, बिल्कुल ठीक है। आगे एफ इंटरसेक्शन एच 70, ये 50 आ गया, नेक्स्ट 45 25 आ गया, अब बास्केटबॉल वाले 115 है, ठीक है। एच और बी वाले हॉकी वाले 195 है,
95 आ गया, फुटबॉल वाले 285 है, 190, ठीक है। और ओवरऑल जो सर्वे हुआ था दैट वाज ऑफ 500, अब बताओ कैसे आएगा। बाहर वाला कितना है? 50, ये गिवन ही था वैसे। अब जो क्वेश्चंस उन्होंने पुट किए हैं दे आर, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, हाउ मेनी व्यूअर्स वॉच एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री गेम्स, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री गेम्स, 450, ठीक है। हाउ मेनी व्यूअर्स वॉच ऑल द थ्री गेम्स, ये हम 20 निकाल चुके हैं। Then how many viewers watch football only? 190, ठीक है। How many viewers watch hockey only? 95. How many viewers watch football and hockey but not basketball? Football and hockey but not basketball? 50, that will be 50, ठीक है। So with this your today's lecture is over. So is type ke questions ki you will do the practice. Now I am ending the meeting. Thank you. Have a nice day.